ओम सायनाथ नमः। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी बजे 6:10, मैं तो 4 बजे से उठी हूँ। अभी मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। आज मेरा साईं बाबा का व्रत भी है और महाशिवरात्रि का व्रत भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के पूजा करी, क्योंकि मंदिर जाना है। मंदिर में क्या ना भीड़ हो जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं मंदिर जाऊँगी। सोची मेरा जो ब्लॉग है ना थोड़ा सा स्टार्ट कर दूँ। पूजा के टाइम में ना स्टार्ट नहीं करिए, नहीं तो हड़बड़ी हो जाता है ना, तो फिर पूजा करूँ या कैमरा को देखूँ, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए पूजा ख़त्म करने के बाद मैं कैमरा उठाई। ओके, और मेरे साथ बने रहिए, मैं ब्लॉग को एंड तक देखिए। मैं दिन भर क्या क्या करती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू सारी सिलाई। तो चलो अभी मंदिर चलते हैं, ठीक है। चलो एवरीवन, अभी आफ्टरनून हो चुका है। मैं पूजा करके सीधा आके थोड़ा सा बिजी थी, सोना को नाश्ता कर रही और बाकी जो काम था छोटा मोटा सब निपटाई। उसके बाद में ना 12 बजे जो मध्यान्ह आरती होते है, जैसे मेरे गुरुवार का व्रत है साईं बाबा का, तो उनके लिए आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, बस हल्का सा खिचड़ी बना के उनको चढ़ा के भोग लगा के मध्यान्ह आरती करके फिर मैं इधर आई हूँ। अभी मैं ना ये खिचड़ी का पुलाव, मतलब थोड़ा सा पुलाव टाइप का बना देती हूँ, विदाउट ओनियन और गार्लिक का बना देती हूँ। ओके ना, मिस्टर और 2 बच्चे इसको खा लेंगे। सोना के लिए तो मैं रखी हूँ अलग से खिचड़ी के, थोड़ा सा इसमें मिर्ची फिर्ची डालूंगी ना, वो नहीं खाएगी। जो साईं बाबा का भोग लगे ना उसके लिए रखी हूँ, वो थोड़ा सा उसको खिला दूंगी। और ये दोनों पापा और बेटी का हो जाएगा। मेरे तो आज पूरा फास्ट है। मैं फास्ट ना 12 बजे के बाद थोड़ा बहुत जैसे प्रसाद खाती हूँ, कुछ बनाती हूँ तो उसको खाती हूँ, जैसे ना विदाउट प्याज और लहसुन का बिना जो भी बनता है उसको खाती हूँ 12 बजे के बाद। अभी तो मेरा पूरा उपवास है। तो चलो मैं सोची थोड़ा सा ब्लॉग को स्टार्ट कर दूँ और क्या क्या हो रहा है सब बता देती हूँ। फिर मिलेंगे शाम को, ठीक है। सोना, ओए सोना, ए देखो इधर, देखो इधर, देखो सोना का स्टैंड। ए सोना देख तो इधर। सोना तेरी चोटी दिखा सोना। और यहाँ पर शाम हो चुका है, मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। और वहाँ पर जो लंबा सा दिया रखा है ना, वो मैं अखंड दिया लगाई हूँ भगवान शिव के सामने। हमेशा मैं हर साल सुबह लगा लेती, इस बार लेकिन शाम से लगाई हूँ। और आज ऐसे भी गुरुवार था ना, इच्छा हुआ कि बहुत सारा दिया जलाने के लिए। और आज ऐसा भी दो मतलब खास दिन है, साईं बाबा की बार है, लक्ष्मी जी का भी बार है और शिवरात्रि भी है, तो इसीलिए मन बहुत खुश था। इसलिए मैं दिया लगा के पूरा आलोकित कर दी घर को। तो फिर हम लोग ना पूजा करने के बाद सीधा मंदिर चले जाएंगे, साईं गुरुवार है। तो हम लोग यहाँ पर आके मंदिर में पहुँच चुके हैं, दर्शन करके सीधा घर चले जाएंगे। जाके आज ना फटाफट जाके थोड़ा सा प्रसाद बनाऊँगी, आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं करूँगी। प्रसाद में क्या शेयर करना है करके फिर सीधा मैं अखंड दिया के पास बैठोगे, 12 बजे उठोगे। थोड़ा सा पूजा पाठ में आज दिन भर जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी आपके साथ आज। तो ये जो ब्लॉग है ना मेरा पूरा पूजा के ऊपर आधारित है, तो आशा करती हूँ ये जो ब्लॉग है आप सबको अच्छा लगेगा। मैं भी प्रेयर करती हूँ भगवान के पास आप सबको अच्छे से रखे, अच्छे स्वास्थ्य दे और हमेशा खुश रहे। तो आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय गाइज, लव यू।